Hey, assalamu alaikum my YouTube viewers, welcome back to my YouTube channel. I hope all you guys will be fit and fine. And आज मैं आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ यहाँ हाजिर हुई हूँ. तो आज मैं आपको ना डिफरेंट ब्रशेस का यूज़ बताऊँगी. ऑल तो हमारे पास पूरे सेट पड़े होते हैं या डिफरेंट ब्रशेस होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एक ही मतलब लोगों ने ब्रश आई के लिए लगाया होता है, एक ब्लश के लिए लगाया होता है और एक ही लिपस्टिक के लिए लगाया होता है, मतलब एक एक. लेकिन यहाँ डिफरेंट ब्रशेज़ होते हैं जिनका अप्लाई करके हम अच्छे से मेकअप कर सकते हैं. ऑल दो अगर हम एक ही ब्रश बार बार यूज़ करेंगे तो वो डिफरेंट कलर्स और शेड्स देगा और हमारा वो शेड नहीं आएगा. ये मैंने मंगवाए थे द्राज हॉल से ब्रशेज, और इनके ब्रिस्टल ऑसम थे, मतलब आला क्वालिटी के. कितने सॉफ्ट हैं, कितने सॉफ्ट हैं, मतलब आपके स्किन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करते और आपकी स्किन पे बिल्कुल भी इरिटेशन क्रिएट नहीं करते. ठीक है, तो ये सबसे पहले मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ. पहला ब्रश है ये आई शेडो ब्रश. ये जो ब्रश होता है ना, ये आई शेडो को अप्लाई करने के लिए उसको एक क्रीज लाइन पे और पूरे आई बॉल पे फैलाने के लिए. ठीक है, और दूसरा वाला ब्रश है, इसे कहते हैं हाईलाइटर सॉफ्ट ब्रश. लाइक इससे हाईलाइटर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, और इससे आप लूज़ पाउडर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लाइक लूज पाउडर एप्लीकेटर. ठीक है, इसके ब्रिस्टल्स भी बहुत सॉफ्ट थे. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ द ब्लशर ब्रश. एज यू नो, इससे तो आप सारे ही फेमिनाइन होंगे, ठीक है, आप लोग सबको पता होगा कि ये जो है ब्लश अप्लाई करने के लिए, ब्लश ऑन अप्लाई करने के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट वन इज़ द आईब्रो सेटिंग ब्रश. इससे तो आईब्रो सेट होती है और आईब्रोज पे जो भी हम लोग हाईलाइटर या हाईलाइटिंग करते हैं इसके इर्द गिर्द एरिया पे, तो उससे अप्लाई होती है. ये है सेटिंग ब्रश, मतलब इनसे सेटिंग होती है आईब्रोज की. ठीक है, तो नेक्स्ट वन ब्रश जो हमारे पास आ रहा है वो है इसे हम लोग स्किन पॉलिश भी अप्लाई कर सकते हैं कोई भी केमिकल फेस पे मिक्सिंग करके, वाइटनिंग के लिए कोई भी चीज़ जो हम अप्लाई कर सकते हैं, स्किन पॉलिश या ब्लीच वगैरह इससे हम अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट वन ब्रश इज़ फॉर कंटोर ब्रश. ये कंटोरिंग के लिए, फेस पे जो कंटोरिंग करते हैं ना वो इस ब्रश के थ्रू करते हैं. ये एंगल ब्रश होता है. ठीक है, आपको इसकी कर्व नज़र आ रही होगी. ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा गोल और नीचे से थोड़ा सा कम नीचे की तरफ. ठीक है, तो ये ब्रश यूज़ होता है कंटोरिंग के लिए, फेस के डिफरेंट पार्ट को कंटोर करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट वन ब्रश इज़ ब्लेमिशिंग ब्रश. इससे आप आपके फेस पे जो भी स्कार्स वगैरह हैं उस पर आप प्राइमर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, उसको छुपा सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ अ स्पॉन्जी ब्लेंडिंग ब्रश. लाइक ये स्पॉन्जिंग, पहले ब्रश ओल्ड मेकअप में आता था, ठीक है, और अभी भी होता है अप्लाई, लेकिन मेरा ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो आप इससे ब्लेंडिंग कर सकते हैं. ठीक है, ये स्पॉन्ज टाइप का होता है. तो नेक्स्ट वन ब्रश इज़ फॉर फाउंडेशन मिक्सिंग और एप्लीकेटर है. ठीक है, आप इससे पैन केक को मिक्स कर सकते हैं वाटर में, और डिफरेंट टाइप की जो वाटर बेस होती हैं उसको मिक्स कर सकते हैं और उसको फेस पे अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ अ क्रीज लाइन ब्रश. आपकी जो आई की क्रीज़ होती है ना, आई बॉल जहाँ ख़त्म होती है वहाँ आपकी आई की क्रीज होती है. ठीक है, तो उस पर कलर देने के लिए और कलर स्प्रेड करने के लिए आपको हमेशा मतलब 3-4 ब्रशेज आइज पे ज़रूर यूज़ करने चाहिए जब आप मल्टीपल कलर यूज़ कर रहे हो. ठीक है, उससे आप अपनी आई के एग्जैक्ट कलर उससे दे सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ द ब्राउ ब्रश और लाइनर ब्रश. इससे हम आईलाइनर भी लगा सकते हैं, ठीक है, मर्ज भी कर सकते हैं और आईब्रो को भी फिलिंग कर सकते हैं. इससे बहुत अच्छा ब्रश है, इसके भी ब्रिस्टल बहुत सॉफ्ट थे और ये एंगल ब्रश है. ठीक है, आप इस पर आईज़ के कॉर्नर पर अगर आपने मर्ज करना है अपना आईलाइनर तो इससे बहुत अच्छा मर्ज होगा. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ अ फाउंडेशन ब्रश. आप इससे फाउंडेशन फेस पे अप्लाई कर सकते हैं लाइक टैप टैप टैप, और बहुत अच्छी फाउंडेशन आपके फेस पे लगेगी. ठीक है, जिन लोगों को मतलब ब्रश से अप्लाई करने की आदत होती है, ये जो ब्रश यूज़ करते हैं फॉर फाउंडेशन, उनके लिए ये बेस्ट वन ब्रश है. ठीक है, और इन ब्रशेस का मतलब जहाँ से मैंने द्राज हॉल से बाय किए थे, तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिसने बाय करना हो वो इजीली बाय कर सकते हैं. ठीक है, ये बहुत रीज़नेबल है. नेक्स्ट वन इज़ द जेल ब्रश. इसे आईलाइनर और आई जेल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, ये लिपस्टिक ब्रश है. आपको पता है ये लिपस्टिक के कॉर्नर बनाने के लिए, लिपस्टिक को मर्ज करने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग स्टे करने के लिए ये ब्रश यूज़ होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज़ द लोअर लाइनर और काजल ब्रश. आईज़ के नीचे हम डिफरेंट जो आई के ऊपर कलर लगाते हैं, वही कभी कभी हम आईज़ के नीचे भी कलर लगाते हैं आई को बड़ा दिखाने के लिए या काजल को ब्लेंड करने के लिए, तो ये वो ब्रश है. ठीक है,
नेक्स्ट वन इज इट्स एन अदर क्रीज लाइन ब्रश. इससे भी क्रीज लाइन ब्रश मतलब आपकी आईज की क्रीज में ब्लेंडिंग के तौर पे ये काम करता है. ठीक है, इसे आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं अच्छे से. ये देखिए इसके ब्रिस्टल्स भी बहुत सॉफ्ट हैं और बहुत अच्छी बाइंडिंग है इनकी. नेक्स्ट वन इज़ द ब्लेंडिंग ब्रश. लाइक अगर आपने आईज पे दो तीन कलर अप्लाई कर लिए हैं तो उनको मर्ज करने के लिए, उनको ब्लेंड करने के लिए हम ये वाला ब्रश यूज़ करते हैं. ठीक है, और ये मुझे द्राज हॉल की तरफ से ना फ्री गिफ्ट मिला था, आई लाइनर. और ये 2-in-1 है, आई लाइनर भी है और लिप लाइनर ये भी है. बहुत अच्छा कलर है, ब्राउन शेड है. मतलब पहले आप अपने लिप्स की जो शेप है वो बना लें, उसके बाद आप अच्छे से फाउंडेशन पहले सबसे पहले लगाते हैं. लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक्स की ट्रिप्स भी मैं आपको दूंगी. ठीक है, और अगर किसी को भी चाहिए होंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उस पर बना दूंगी. ठीक है, ये बहुत प्यारे बहुत अच्छे ब्रशेस थे. मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.